हमारा आग धोखा, हम निकालने वाले हैं, हमारा आग धोखा खाएगा। घर कहाँ है तुम्हारा? घर कहाँ है? घर मेरा आजाद पैथोलॉजी लैब चलता है ना जी। अभी लड़का बोला कि 500 रुपए में बुलाया गया। हम बोले कि कुछ खर्चा, मधेपुरा सदर अस्पताल में लाल खून के काले कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल बुधवार को सदर अस्पताल की ब्लड बैंक में एक प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था और सुबह से ही लोग रक्तदान करने वहां पहुंच रहे थे। इसी दौरान दो युवक वहां पहुंच रक्तदान करने लगे। सदर अस्पताल के ब्लड बैंक इंचार्ज राजकुमार पुरी को इन युवकों पर शंका हुई। तहकीकात करते हुए उन्होंने पाया कि इसमें से एक युवक ने कल रात ही ब्लड डोनेशन किया है। हालांकि जब उस लड़के से पूछा गया तो उसने टाल मटोल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ब्लड बैंक इंचार्ज ने इस बात की सूचना हॉस्पिटल मैनेजर डीपीएम और डीएस को दी। वहीं जब डीपीएम प्रिंस कुमार द्वारा इन दोनों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो मालूम चला कि वे लोग अस्पताल के ही एक औपबंधिक कर्मचारी लैब टेक्नीशियन जवाहर कुमार के कहने पर यहां आए थे और जवाहर कुमार ने उन्हें 500-500 रुपए देने का प्रलोभन दिया था। वहीं इस मामले में संज्ञान लेते हुए सदर अस्पताल के डीपीएम ने खून के काले धंधे में शामिल अस्पताल के कर्मचारी सहित दोनों युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया है। उन्होंने बताया कि खून की कालाबाजारी करना जघन्य अपराध है, किसी भी कीमत पर इन्हें नहीं बख्शा जाएगा, इन लोगों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी कुछ सूचना प्राप्त हुई थी वहाँ इंचार्ज के द्वारा कि दैनिक भास्कर की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। उसके क्रम में एक शिकायत मिली कि एक लड़का था जो कि कल भी रात में ब्लड दिया है और आज सुबह फिर देने के लिए आया है। तो जो नियमानुसार भी है कि आप 3 महीना से पहले ब्लड दोबारा नहीं दे सकते हैं। जब इसमें पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में इनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है, इसलिए इसके मद्देनजर इसमें हम लोग जो है तत्काल उन लोगों को थाना को सुपुर्द किए हैं और प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश भी हुआ है। आगे अब इसमें जो भी होगा वो कानूनी प्रक्रिया के तहत इसमें अनुसंधान की जाएगी। इसमें हॉस्पिटल के कोई स्टाफ इन्वॉल्व? हाँ, इसमें एक स्टाफ का नाम आया है, वो स्टाफ को भी थाना के द्वारा हिरासत में लिया गया है। नाम मेरा प्रिंस हुआ, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति मधेपुरा।